बैठ गया ट्रेन में, लेकिन सही बताएं दिल में धक धक तरसा हो रहा है। कोई बोल रहा है रुकेगा, कोई बोल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। इतनी रात में 7:30 हो गया। दीदी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर से इतना दूर है वो भी रात में। 30 किलोमीटर यहाँ से, तो कंडी से यहाँ पे 30 किलोमीटर घर छोड़कर। ये ट्रेन आएगी 7:22 पे, वही जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। खा ऐसे ही खा, चला था खा एक बार। कहाँ से रही ना, ऐसा मुझे चाहिए। राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हम लोग भी बहुत ठीक ठाक है। हम लोग बैठे हैं, सेकंड पार्ट है, तो हम लोग बैठे हैं पार्क में बैठ के जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये आलू की पूड़ी, आप सब भी खाना खा लो, बहुत मस्त आलू की पूड़ी है। और साथ में बॉटल पानी। सरसों के लिए खाना भी खा लिया और आराम भी कर लिया और फोन भी रेस्ट हो गया हमारा। तो अब कहाँ चले हैं समझ नहीं आ रहा है। कहाँ चली पता नहीं, फिर भी कुछ पता नहीं। इसमें यहाँ पे डाल रहे हैं बिस्किट छोटे छोटे करके, क्योंकि यहाँ पे ना ढेर सारे छुट्टियाँ हैं। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी गंदगी नहीं करा, जो भी मैंने खाया टिफिन में खाया बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब खाएंगे चिड़िया पूरा डाल दो। आपको एक चीज दिखा रहे हैं ना, बोलिएगा मत, ठीक? अरे इतनी बड़ी सी मछली है, अरे कितना बड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है। एक वाइट वाली है, पता नहीं बिस्कुट खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खा ले। काला नमक, ये मसाला ये क्या है तुमको? रस भरी काला खट्टा। अच्छा आम तो देखिए 20 रुपये में बोला मिलेगा यहाँ पर। 20-25 बोला था। मैं खा 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 ऐसे ही खा, चला था खा एक बार। कहाँ से रही ना, ऐसा मुझे चाहिए। नॉर्मल कपड़ा चाहिए, आप चलिए आ गए। वहाँ से सीधे आकर आ गए ट्रेन के पास और दीदी का तबीयत खराब हो गया है, दीदी गैस बन गया है, दीदी खाएगी ही नो। दीदी को चक्कर भी आ रहा है। इनो भी डेड स्क्वायर है। ₹19 का है और हमने देखा नहीं, फटाफट वहाँ से ले लिए। हमने वो कुल्फी खा लिया और साथ में मैंने ना 30 रुपये का बादाम लिया था, जो मतलब दो दादी थी मांग रही थी, 10 रुपये का उनको दिया, 10 रुपये हमने ले लिया। उसमें से कुछ हमने खा लिया, उसके बाद से मुझे इतना तेज गैस, इतना तेज उल्टी कि पूछो ही मत। हमारा आँख हाथ बिल्कुल भी होश में नहीं था, बड़ी मुश्किल से वहाँ से यहाँ तक आए हैं। रास्ते में 2-3 बार जगह सोए हैं, लेटरिन के पास में सोए हैं,
कहीं के स्टेशन पे सोए हैं, तो मुझे आके यहाँ पे आया है। कुछ नहीं, आके इन्हों खाएंगे, इन्हों भी डेट एक्सपायरी हो गया और यहाँ पे दुकान है ही नहीं। अभी टाइम हो रहा है 2:40, 5 बजे स्टार्ट होगा, अब फिर अब तब तक क्या करेंगे पता नहीं। इनो को तो नहीं जा रही है इनो लाने के लिए, जल्दी ले आना ठीक है। इनो लेके आ गए, सही है ना, ये देखिए सही है, इसका इसका कलर भी सही लग रहा है। 2 घंटा क्या करेंगे इसमें बैठ के, ठंडा हो नहीं, वैसा ही है। नल का पानी पीने के लिए तरस जाते हैं, खाली एक का दिन में, और जो घर से बाहर रहता है ना, भगवान जाने कैसा रहता है, संतोष कुछ भी नहीं पकते। यहाँ तो एक दिन पानी ना मिले नल का ना, तो पूरा ये होता है कि कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं मैंने, और पता नहीं कैसे लोग अपने अपना गाँव छोड़ के बाहर रहते हैं। पता पूरा हाँ शाम के 6 बज गए हैं, 2:30 बजे के आए, जस्ट 6 बजे ट्रेन निकला है, जो कि टाइम इसका है 5:15 पे, इतना लेट ट्रेन। और जब आए थे इतना खाली था, आप देखिए इतना भर गया है। अब चलते हैं आज बड़ा बुरा हाल हुआ हम लोग का, चकंडी उतारने वाला ट्रेन भदोही लेके चला गया, मतलब वहाँ से 10, वो भी इतनी रात में, बताओ हम कैसे जाएंगे घर अब। अकेले हम चोर, मतलब अकेले हम चोर, चोर मतलब कैसे हंसा मत यार। अच्छा बिट्टी हंसा क्या करो, आ गए भदोही स्टेशन, आज हम लोग का मजाक बन गया एकदम। टाइम हो रहा 6:30 के ऊपर, हम लोग सोचे थे 6 बजे यहाँ से लेते हैं टिकट, उतरने वाले चौखंडी आगे भदोही। दिमाग काम नहीं कर रहा अंकल जी, चौखंडी ट्रेन कोई है? देखिए राजकीय रेलवे पुलिस चौकी भदोही, हम लोग भदोही पर हैं। दीदी कहाँ गई? वहाँ पे जाकर बैठी है, दीदी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर से इतना दूर है, वो भी रात में। 30 किलोमीटर यहाँ से, वो खंडी से यहाँ पे 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर घर छोड़कर। ये ट्रेन आएगी 7:22 की है, वही जाएगी, अब देखते हैं क्या होता है। ट्रेन आ गया है, ट्रेन आ गई, गया ट्रेन में, लेकिन सही बताएं दिल में धक 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 सा हो रहा है, कोई बोल रहा है रुकेगा, कोई बोल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, इतनी रात में 7:30 हो गया। इस ट्रेन में खाली हम हैं और यहाँ भैया है, भैया बताएंगे कहाँ रुकेगा, मोबाइल में देख रहे हैं। अब जाके थोड़ा सुकून मिला है, जी में जी आया है। हाँ बच्ची आए कर लीजिए, पूजा गुप्ता यूट्यूब पे, भाई मेरा कब से वेट कर रहा है, 6 बजे का वेट कर रहा है बेचारा, अब जस्ट ट्रेन आके रुका है। कैसे कूदी, देखे
दीदी को जाओ। अब तो नहीं, ट्रेन गया। और थोड़ा चेहरे पे हंसी आया, कब से मेरा हवा टंगा हुआ था। 50% मुझे टेंशन था, 50%। ट्रेन वहाँ पता नहीं कब बदल जाती है, कभी रुकती है कभी नहीं रुकती है। सारे भैया लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि ना सबको पता था कि हम बहुत घबराए हुए थे। भाई कहीं लोग आते नहीं रहा, भाई भी घबरा रहा था। भाई फोन पे फोन, मम्मी फोन पे फोन, सब पे सब लोग फोन पे फोन किए जा रहे हैं। इधर चल पा, चला 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 चला, मम्मी वेट करते हैं, चला। ये घर आ गए, चला खाना खाते हो। हाल चाल ठीक? टाइम हो रहा है 8:30 और पापा सो के वहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखे डैडी, हमें क्या पता आगे वहाँ ना उतारी ना रुकल, पता नहीं दिमाग वो है। कहा है 9 बज गया। हाँ 6 बजे हम घर आ जाते आराम से, लेकिन ट्रेन रुका ही नहीं, पता नहीं क्या नहीं रुका। 6 बजे तो ट्रेन चला। हाँ अब देखो 9 बज गया, 9 बजे आए हैं। सबसे पहले चेंज करते हैं, हालत खराब हो गया पूरा। खाते हैं खाना, मम्मी ने बनाया चावल और रोटी, एक स्पेशल सब्जी। मतलब चावल हमारे कहने बनाए, मम्मी ने पूछा क्या खाओगे, मतलब मम्मी चावल, क्योंकि फिर सुबह से बस दो पूड़ी खाए थे और रोटी खाने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बीच में उल्टी उल्टी हो रहा था ना, इसलिए चावल बनाया और सब्जी बनाया। सब्जी समोसा खाया, समोसा तोड़ के पानी डाल के उबाल के ऐसा कुछ बनाया, और ये चावल और समोसे की चटनी खास नहीं। उठ जा खाना खा ले भाई, बस खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब जाकर सुकून मिला है। अब जाओ घूमे बोला है, अब गाड़ी से जाती है खुला। अब गाड़ी जाए, गाड़ी से लिया घूम के, ट्रेन से बच जाया। कहाँ फिर ले जाके छोड़ी आई, इधर पर बम्बई चल जाऊँ। अगली बार अगर हम जाएंगे ना, तो हम चुपचाप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें कि देखा जाता है, क्योंकि मेरे पास है नहीं, और ऐसे ही हम पूछ के चल जाते हैं। ये हमारी गलती थी, और पता नहीं क्यों वो हर बार रुकती थी, आज पता नहीं क्यों नहीं रुकी, समझ नहीं आ रहा है। लोग वहाँ पे जो जहाँ जिस रूम में हम थे ना, जिस डिब्बे में, वहाँ पे कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियस में हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। फिर बोले नहीं ये वो थोड़ी ना। अच्छा बताइए, जो हम रोज़ हमेशा उसी ट्रेन से आते हैं 5:15 पे, वही ट्रेन वही जगह सब कुछ, तो कैसे हम मान लें? वो ट्रेन आज बहुत लेट आई, मतलब बहुत ज़्यादा लेट निकला। वो रोज़ निकलता था 5:15 पे, आज उसे 5:45 हो गया। और कुछ भैया ने तो बहुत हेल्प करा, क्योंकि हम उतरने वाले थे किसी छोटे से, मतलब कि स्टेशन पे जो बिल्कुल एकदम वीरान था, लेकिन उन्होंने मुझे मना करा, क्योंकि हम उधर भी गए थे। तो बोला नहीं अंदर आओ अंदर आओ, अंदर बुलाए, फिर बोले यहाँ पे आपको नहीं उतरना है, आपको उतरना है भदोही वाले स्टेशन पे, जो थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है। फिर हमको वहाँ पे उन्होंने उतारा, फिर बोला कि अब यहाँ से टिकट लेना, अभी ट्रेन आएगी तो आप चले जाना। उन्होंने बहुत हेल्प करा, मतलब जितने भी भाई लोग थे सब ने हेल्प करा। बस उसमें से ना 100 में से ना 5% ही बहुत वो होते हैं, बाकी सारे ना बहुत अच्छे होते हैं। पूरा हेल्प करा, पूरा बताया। हाँ सेवापुरी नहीं, एकदम छोटा सा स्टेशन, एकदम छोटा सा रहा, वो थोड़ा सा आगे पड़ता रहा। और छोटा सा जो वो होता ना स्टेशन, वो था भदोही के 10 किलोमीटर आगे। वहाँ पे पता नहीं क्यों ना सेवापुरी रखा, जो कि सेवापुरी हमारे यहाँ का बहुत बड़ा है। सेवापुरी भी नहीं रुका, चौखंडी भी नहीं रुका, कमसेटी भी नहीं रुका, वो रुका सीधे पता नहीं कौन सा एरिया था वहाँ पे रुका। वहाँ पता नहीं उसको क्या ही दिखते हैं, वहाँ पे रुका और सीधे चला गया भदोही। हम उसका इतना स्पीड था, हम उसका स्पीड देख के घबरा गए थे, बोले इतना स्पीड तो ट्रेन जाता ही नहीं है, हम इतना बार बैठे के इतना स्पीड जाता ही नहीं है। और इसका इसकी स्पीड एकदम लगातार ही था, रुक नहीं रहा था। फिर मुझे घबराहट हो रहा था कि ये भगवान रुका नहीं रहा, और हम घबराए जा रहे हैं, बाकी कुछ लोग हंसे जा रहे हैं। तो मतलब बाद में पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, और थोड़ा सा डर लग रहा था, बट कोई नहीं, वहाँ से गया, टिकट लिया, सब कुछ करा और आ गए घर। और पापा पता है उस रूम में क्यों सोते हैं? क्योंकि इस वाले रूम में ना हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, हमको बचते 10, 11, 11:30, 12, तो कुछ ना कुछ टिप टाप, फ़ोन में आवाज़, ब्लॉगिंग का एडिटिंग, ऐसा कुछ होता है ना,
तो वो सो नहीं पाते, इसलिए वॉशरूम में सोते हैं। खाना खाएंगे मस्त सो जाएंगे, क्योंकि जरा सा शोरगुल होगा ना तो सो नहीं पाते। पर हमारी मम्मी हमें उठ के बैठ लिया ना, इसीलिए वो उस वाले रूम में सोते हैं शांति से एकदम। फिलहाल आ जा आधे घर आप आज वीडियो को देखा था, वीडियो को देखा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर डिस्क्राइब कर दीजिएगा, और हंसी से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रहिए जी। राम राम। हाथ में चोट कैसा लगा? वो ना ऐसे हम मतलब कि आ रहे थे उस घर में से, जो ऊपरी लकड़ी है ना लकड़ी से खच्चे से कर कट गया। कब कटा था? कल। दर्द हो रहा है ज्यादा आज, खाना खा लिया ना नमक लग गया इसलिए। ये हमारे गांव का हालचाल, पता नहीं सा कलर कब जाएगा, एकदम करीवा हो गया है।